स्किल बना रहा हूँ, कोई ना कोई स्किल तो मैं कुछ ना कुछ कमा लूँगा, पर गवर्नमेंट का अभी भरोसा नहीं रहा मेरे को जरा भी। एग्ज़ाम देते थे उसके बाद ये जो पेपर लीक हो जाता था, इसके कारण फिर मेरे को थोड़ी वो मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम से थोड़ा सा भरोसा सा उठने लगा कि नहीं अब नहीं दूंगा। तो फिर उसके बाद तो मेरे को अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई रिजल्ट निकलेगा तब भी अच्छा, नहीं निकलेगा तब भी अच्छा है। एक का नहीं आया सोचा चलो दूसरा का दे देता हूँ तो दूसरे का आ जाएगा, पर दूसरे का भी नहीं आया तो फिर तीसरे की देने की अब हिम्मत नहीं हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का द न्यूज़ रडार में। मेरा नाम शिवांशु है और इस वक्त तस्वीरों में मेरे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जो JOIT का अभ्यर्थी है। उससे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं उसे आई हैं रिजल्ट लेट निकलने से और कैसा उसका सफ़र रहा इस पूरी परीक्षा के बाद और परीक्षा से पहले का। मुकुल, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो JOIT की परीक्षाएं थी, कौन कौन सी परीक्षाएं आपने दी हैं और कब दी हैं? तो सबसे पहले मैंने क्लैरिकल की पोस्ट के लिए भरा था तो वो क्लियर नहीं हो पाया था मेरा। फिर उसके बाद JOIT का एग्ज़ाम दिया था मैंने, JOIT 817, और उसके बाद उसका वेट करके रिजल्ट वगैरह निकला नहीं था JOIT का, अभी तक भी नहीं निकला। तो उसके बाद मैंने JOIT 939 दिया था तो वो भी पेपर दे दिया था लेकिन उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद एक और 9 करके कुछ मतलब JOIT का ही आया था लेकिन उस पर कुछ हो गया था कि भाई नकल वगैरह का कुछ पता लग गया था तो वो पेपर अभी तक हो नहीं पाया। मुझे जानना चाहूँगा ये जो आपका सफ़र था JOIT का, ये कैसे शुरू हुआ और अब मतलब काफ़ी समय हो गया है, सरकार काफ़ी लेट कर चुकी है रिज़ल्ट के लिए, हाई कोर्ट भी गया ये मामला, वहाँ से बोला गया गवर्नमेंट को कि आप रिज़ल्ट निकालिए बट अभी तक निकला नहीं है, तो इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं और अब आप क्या कर रहे हैं? तो शुरू में ऐसा था कि मतलब शुरू से ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब करनी, घर में भी बोलते रहते थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मेरा था कि गवर्नमेंट जॉब करूँ। तो पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, 3 मंथ तक मैंने मतलब एक होटल में मॉल में मैनेजमेंट की जॉब की। फिर उसके बाद JOIT का एग्ज़ाम निकला था तो उसमें पोस्ट जो है ठीक ठाक थी, 1867 पोस्ट थी तो मैंने सोचा भर लेना चाहिए तो मैंने भरा था उसे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी की 3-4 मंथ और फिर एग्ज़ाम दिया मैंने उसका। फिर पता चलता है कि भाई एग्ज़ाम तो दिया तो है पर उसका रिज़ल्ट जो है वो लेट हो गया, पता नहीं किस चक्कर के कारण उन्होंने लेट करते गए। फिर उसके बाद मैं 9 मतलब वो एक साल तक निकल नहीं पाया। फिर एक साल बाद उसकी नोटिफिकेशन आती कि वो रिज़ल्ट निकलने वाला है तो उसके बाद टाइपिंग के लिए बुलाया गया मेरे को कि टाइपिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने 1 मंथ तक टाइपिंग की तैयारी की। फिर मैं टाइपिंग देने भी गया, फिर टाइपिंग देने गया तो टाइपिंग टेस्ट भी हो गया। फिर 1-2 मंथ लेट हो गया। फिर उसके बाद बोला कि इवैल्यूएशन के लिए आओ तो इवैल्यूएशन भी दे आया। फिर उसके बाद रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं, फिर बोला कुछ नकल वगैरह हो गई है कुछ ऐसा वैसा है। फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी ये निकलेगा जब तब देखा जाएगा। फिर उसके बाद मैंने 939 की तैयारी स्टार्ट कर दी कि चलो ये नहीं निकला तो अगले की तैयारी की जाए। तो मैंने 939 में भी सेम ही मतलब 6-7 मंथ ठीक तैयारी की। फिर उसका एग्ज़ाम दिया, उसका भी सेम ही रहा, मतलब जैसे 817 का था वैसे 939 का भी रहा। तो मैं मतलब बड़ा परेशान था कि हाँ भी पेपर तो दे रहा हूँ लेकिन क्लियर नहीं हो रहे, कुछ क्लियर भी कर दे रहा हूँ मतलब इवैल्यूएशन तक दे के आया हूँ मैं, मतलब टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर की है मैंने, मतलब सारा कुछ क्लियर कर दिया लेकिन लास्ट में ऐसा होता था कि कुछ बोलते थे कि कुछ नकल हो गई है कुछ, पता नहीं अब कैसा सरकार को लेके मतलब रिज़ल्ट आ नहीं पा रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से ये रिज़ल्ट पेंडिंग है, गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं आनाकानी मानी जा रही है, तो सरकार को आप क्या बोलना चाहोगे? सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि यूथ पे थोड़ा ध्यान दे क्योंकि मतलब हम बहुत मेहनत करते हैं मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। 3-4 मंथ अभी मैं कई टाइम तो मैं घर में भी पढ़ नहीं पाता तो मैंने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की थी, तो उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी मेहनत करके मैंने एग्ज़ाम देता। फिर उसके बाद जो ये सिलसिला चलता रहा कि जो एग्ज़ाम देने, फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम देते थे उसके बाद ये जो पेपर लीक हो जाता था ये इसके कारण फिर मेरे को थोड़ी वो मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम से थोड़ा सा भरोसा सा उठने लगा कि नहीं अब नहीं दूंगा। तो फिर उसके बाद तो मेरे को अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई रिज़ल्ट निकलेगा तब भी अच्छा, नहीं निकलेगा तब भी अच्छा। अभी आपको क्या लगता है, आपको उम्मीद है कि JOIT का रिज़ल्ट निकलेगा? ये मेरे को ज़रा उम्मीद नहीं है क्योंकि 2-3 साल से मैं इंतजार कर, क्योंकि मैंने 3 साल पहले दिया था तो मैंने कोविड वाले टाइम से 2020-21 में था पेपर उसका, तो आज 2024 है तो 3 साल तो हो गए मेरे को मतलब पेपर का वेट करते कि भी रिज़ल्ट आएगा। एक का नहीं आया सोचा चलो दूसरा का दे देता हूँ तो दूसरे का आ जाएगा, पर दूसरे का भी नहीं आया तो
तो फिर तीसरे की देने की अभी मत नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि मतलब अभी आप मतलब क्या कर रहे हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर रहे हो अभी आप? अब मैं थोड़ा अपनी जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है मैं उस चीज उस स्किल को डेवलप कर रहा हूँ, तो उसको उस स्किल को क्योंकि मैंने ये सुना कि मतलब ये मतलब एक मैं रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उसमें ये बताया कि भी क्या बोलते आजकल के ज़माने में मतलब बेरोज़गार वही बंदा जो मतलब या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या फिर उसके पास कोई अपनी स्किल नहीं है। तो ऐसा है कि मैं अब मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।